अधिकारी बेलगाम हो गया है जी। अधिकारी किसी जनता की बात सुनना नहीं चाहता। ये निगम की स्थिति तो ये हो गई है, निगम चलाते हैं अधिकारी जी और ठेकेदार। आप अगर जो नए वार्ड जुड़े थे वहाँ जाके देखेंगे तो बहुत नरकीय स्थिति वहाँ आज भी बनी हुई है। अब जो चुनाव हो गए वो एक राजनीतिक केंद्र को ध्यान में रखकर के चुनाव होते हैं, जनता के हितों को ध्यान में रखकर के मुझे लगता है चुनाव नहीं होते। अगर जनता के हितों में ध्यान नहीं रखकर के चुनाव होता तो शायद जो महिलाएं आज इस फील्ड में उतारी गई हैं जिन्हें बोलना नहीं आता। हमें अपनी आदत में थोड़ा सा सुधार करके थोड़ा 5-10% टाइम समाज के लिए या शहर के लिए या देश के लिए भी निकालना पड़ेगा। अब नगर निगम की क्या क्या काम है ये एक्ट में ही लिखा है, लेकिन एक्ट पढ़ना तो कोई जाने। करोड़ों रुपया नाले और नालियों में सीवर में लग गया, लेकिन उसकी व्यवस्था आज तक सुचारू नहीं है। किसी मोहल्ले में चले जाएं के विधायक और महापौर 36 के आंकड़े भर रहे पूरे कार्यकाल में। नगर पालिका से चलकर नगर निगम बनने के बावजूद जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल, इनमें से तीनों में कोई काम नहीं हुआ। मतलब अच्छे काम के लिए इनके पास ना पैसा है, ना समय है, ना सोच है। केवल वो ये है कहाँ हमको कमीशन कितना मिलेगा और अब कहाँ किससे हमारा भला हो रहा है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहे हैं। जनहित में या नगर हित में इनमें सोचने की बुद्धि नहीं है, केवल विवेकहीनता का के परचायक हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है और ये जो सिलसिला है, जो प्रक्रिया है, वो अब पूरी हो चुकी है। प्रचार थम गया है, सारी चीजें जो हैं वो अब निर्भर करती हैं कल होने वाले मतदान पर, और कल जो मतदान होगा उसमें जो प्रत्याशी हैं उनका भाग्य मतपेटियों में कैद हो जाएगा, और उसके बाद 13 तारीख को ये पता चलेगा कि किसका भाग्य जगता है, किसका भाग्य उदय होता है और कौन शहर का महापौर बनता है। हम इस समय फिरोजाबाद के कुछ गणमान्य लोगों के साथ उपस्थित हैं और उनसे हम विश्लेषणात्मक चर्चा आज करने वाले हैं। हम उनसे जानने वाले हैं कि आज जो कल चुनाव है उस पर क्या असर होने वाला है और क्या कुछ है। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर संध्या द्विवेदी जी हैं, ये शिक्षाविद हैं और आज हमारे साथ में वो वरिष्ठ शिक्षाविद के रूप में उपस्थित हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप शर्मा जी हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनूप चंद जैन जी हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार द्विजेंद्र मोहन शर्मा जी हैं, हमारे साथ में इसी पैनल में हमारे साथ वरिष्ठ उद्योगपति डॉक्टर श्रीमान देवीचरण अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी हैं, समाज सेवी हैं, हमारे साथ में साहित्यकार के रूप में कृष्ण कुमार कनक जी उपस्थित हैं। तो ये सप्तर्षि हैं आज के हमारे इस पैनल में और आज इन सप्तर्षियों से हम जानेंगे कि क्या कुछ निकाय चुनाव में होने वाला है। फिरोजाबाद की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो बिल्कुल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, और ये जो चुनाव है इसमें जो समीकरण है वो समझ में नहीं आ रहे हैं। जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग है, अद्भुत है इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो जनता है, वो कहती है कि प्रत्याशी समझ में नहीं आ रहे हैं, वोट किसे दें, ये सारी चीजें हैं, असमंजस की स्थिति है जनता के सामने भी। तो आज इन लोगों से हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इस बार का चुनाव है फिरोजाबाद में, वो किस तरह से और किस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहता हूं, मैं दिलीप शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं। शर्मा जी, ये जो चुनाव है इससे पहले तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या नजरिया है एक पत्रकार के रूप में? देखिए, इससे पहले नगर निगम का चुनाव, पहले आप समझ लीजिए, लोकसभा विधानसभा चुनावों से बहुत विपरीत होता है जी। इस चुनाव का जनता से सीधा जुड़ाव होता है, जनता अपने हित और अहित को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करती है जी। लेकिन अब कुछ दिन से पिछले चुनावों में देखने में आया है कि अब इस राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए इस चुनाव को भी अब राजनीतिक रंग दे दिया है। प्रत्याशियों का चयन वोट बैंक के आधार पर हो रहा है, जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो गौण हैं, उन पर चर्चा करना कोई नहीं चाहता जी। अब बात आती है कि फिरोजाबाद नगर निगम के चुनाव का इस वर्ष का परिदृश्य जो वर्तमान में भी है जी, कल वोटिंग होने वाली है, वोटर खामोश है और यही सभी चिंताएं सभी दलों के सामने है, इस चिंता कि वोटर बोल नहीं रहा। मैं जहां तक ये मानता हूं आज अभी की
फिरोजाबाद का एक इतिहास और भी रहा है, जो वरिष्ठ जन मेरे साथ मौजूद है, कि चुनाव का नजरिया और वोटर का नजरिया 24 घंटे पहले बदल जाता है। ये बरसों से होता है, मैंने कई बार चुनाव में देखा भी है। कल क्या होने वाला है ये तो वोटर के जहन में ही चल रहा होगा, वो क्या किसको अपना सिरमौर बनाएंगे, किसके सर पे पगड़ी बांधेंगे या किसको पीछे धकेलेंगे, ये जनता की बात है जी। लेकिन वोटों का ध्रुवीकरण होगा 100% होगा। जनता विकास के मुद्दे पर, भेदभाव के मुद्दे पर और प्रत्याशियों के चयन के मुद्दे पर अपना मत वोटिंग के रूप में आपके सामने लाकर खड़ा करेगी जी। जी अनूपचंद जैन जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस समय मुझे लगता है कि हमारे आजाद भारत के इस समय सबसे वरिष्ठ व्यक्ति फिरोजाबाद के अंदर मैं कहूं कि प्रमुख व्यक्ति आप ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजादी के बाद में आज इतने वर्ष हो चुके हैं, हम 75वीं अपनी वर्षगांठ भी मना चुके हैं, तो क्या कुछ बदलना चाहिए था जो अब तक नहीं बदला? फिरोजाबाद नगर निगम भी हो गया, तो अब ऐसा फिरोजाबाद में क्या चीज है जो होनी चाहिए? नगर निगम बन जाए या और कोई महानगर बन जाए जी, जब तक मूलभूत रूप से लोगों के विचार नहीं बदलेंगे, आचरण नहीं बदलेगा, तब तक बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आज जनता दिशाहीन है और उसके पास विकल्प नहीं है, जो है उन्हीं में से विकल्प छांटना है। अधिकारी बेलगाम हो गया है जी, अधिकारी किसी जनता की बात सुनना नहीं चाहता और इतनी हिम्मत अब बहुत लोगों में है भी नहीं कि वो खुल करके किसी अधिकारी के बारे में कह सके। हमारे टाइम में ये निकाय के जो चुनाव थे ये स्थानीय स्तर पर होते थे, जिसमें राजनीतिक दलों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था जी, और स्थानीय दल स्थानीय क्या समस्याएं हैं उनका निराकरण करते थे, उनका किसी राजनीति से संबंध नहीं होता था। आज सारी चीजें राजनीति से जुड़ गई हैं जी, और उससे ज्यादा पैसे से जुड़ गई हैं। कितना पैसा आने वाला है, वो पैसा कहाँ लगने वाला है, किसके माध्यम से लगने वाला है, उसमें हमारा कितना क्या होगा, ये अब आम बात हो गई है जो जन जन की जबान पर है। उदाहरण के तौर पर अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है नगर निगम, कुछ काम होने जा रहे हैं, कोई निगरानी समिति शहर के वरिष्ठ नागरिकों की ऐसी बनी कि वो ये दिशा दे सकती कि ये आप काम गलत कर रहे हैं, ये आप काम सही कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है अधिकारियों के बिना किसी से पूछे कर रहे हैं। अच्छा, जो नाला बन रहा है, इसके बाद जो सड़क ऊपर उठने जा रही है, उसका परिणाम ये होगा गांधी पार्क चौराहे से और इमाम बाड़े से आगे तक सड़कों पर दुकानों में मकानों में पानी भरेगा, वो सारी सड़क ऊंची हो जाएंगी और शहर में पूरा पानी चला जाएगा। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बैठक बुलाने वाला नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की दुकानों को एक रंग में करने का एक कार्यक्रम रखा गया। आप जाके देखिए अस्पताल के सामने जो रंग हुआ है उससे तो अच्छा था पहला वाला रंग जी। उसके लिए कोई एक्सपर्ट राय नहीं गई। जयपुर का देखते गुलाबी मार्केट, उसके ऊपर जो बोर्ड लगे वही चमक रहे थे, ये तो बोर्ड भी नहीं चमक रहे और रंग भी नहीं चमक रहा, तो सारा खेल जैसा हो रहा है। हमने पुराने जमाने भी देखे हैं जहाँ बड़े जक्खर अक्खर टाइप के लोग हुआ करते थे, लाला टुंडामल जैसे चेयरमैन नगर में हुए, जिनने स्वायत्त शासन मंत्री से ये कह दिया कि काम नहीं हो सकता नगर पालिका अधिनियम में तो नहीं हो सकता, वो चाहते थे किसी चहेते की सिफारिश करके ये काम कर दो लाला जी। आज कहाँ है ऐसे लोग, आज तो इधर से उधर हो रहा है। अब आपके माध्यम से कुछ बात जाए जी, पैसे में आपको बड़ौदा का एक उदाहरण देकर के बात खत्म करूंगा जी। वहाँ जो निगम है उसके ऊपर वरिष्ठ सात नागरिकों की एक कमेटी बनी हुई है जी, निगरानी समिति, जिसके चेयरमैन वहाँ के एक प्रमुख डॉक्टर है हितेंद्र पटेल, उनसे मेरी बात हुई तो बोले हमारे यहाँ प्राविधान है और हम निगरानी करते हैं पूरे विकास कार्यों की और अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी और जो स्वास्थ्य का सेक्रेटरी है वहाँ तक भेज देते हैं और उसकी सुनवाई होती है, तो क्या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कुछ हो सकता है कि हम उसमें कुछ कह सकें, हमारी बात कोई सुन सके?
तो हम समझेंगे कुछ ठीक होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक वरिष्ठ नागरिकों की समिति होनी चाहिए, और न सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों की बल्कि मैं समझता हूँ कि हर एक क्षेत्र से उन्हें एक समिति ऐसी भी बनानी चाहिए जिसमें हर एक क्षेत्र के हर एक क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए। समाज सेवी भी हो सकता है, उसमें साहित्यकार भी हो सकता है, हर एक वर्ग का एक व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं कनक जी आपको सबको छोड़ते हुए आपके पास आता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस जो ये अभी जैन साहब ने जैसा कि कहा कि एक वरिष्ठ नागरिकों की समिति होनी चाहिए, तो किस तरह की समितियां होनी चाहिए और साहित्यकार के रूप में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बड़ी अच्छी बात आदरणीय अनुपचंद जैन जी ने कही। मैं ये विचार करता हूँ कि जैसे आप देखिएगा कि जैसे लोकसभा में मनोनीत जो सांसद हुआ करते हैं जी, वो हम सब जानते हैं कि वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, लेकिन आपने पिछले वर्ष के पिछले जो सत्र के मनोनीत पार्षद थे उनको देखा कि वो सबके सब किसी राजनीतिक दल से ही थे। मेरा मानना ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप सभी डॉक्टर्स किसी एक डॉक्टर को बना सकते हैं, किसी एक आदरणीय देवीचरण अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, व्यवसाय की दृष्टि से किसी एक व्यक्ति को बना सकते हैं, शिक्षा की दृष्टि से किसी एक व्यक्ति को मनोनीत पार्षद के रूप में रख सकते हैं, वो आपके यहाँ रहकर वो उस विशेष क्षेत्र की चर्चा आपके मध्य रख सकता है और वहाँ की कठिनाइयों को बता सकता है कि किस प्रकार नगर निगम इन पर विचार करते हुए इस पर काम कर सकता है। तो इस प्रकार से भी समितियों की जो एक आवश्यकता हो सकती है उसे ऐसे भी पूरा किया जा सकता है जी। मैं आपके पास आना चाहूंगा शर्मा जी। जैसे कि अभी देखा गया कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसने अपना कैंडिडेट उतारा, जिसको लेकर के पूरे पब्लिक में ये रहा कि वो बोलना नहीं जानती हैं, वो डमी कैंडिडेट है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो उसके बाद में वो निगम चला पाएंगे? देखिए, निगम की स्थिति तो ये हो गई है, निगम चलाते हैं अधिकारी जी और ठेकेदार, और निगम का सही अगर वो करें जैसे अभी भाई साहब ने भी चर्चा की तो 350 करोड़ रुपया तो केवल स्मार्ट सिटी के लिए आया है पिछले सत्र में जी, और भारत स्वच्छता मिशन में अलग पैसा आ रहा है। तो जो निगाहें हैं सबकी वो उस गोलमाल के भ्रष्टाचार के गोलमाल पर है, तो अधिकारी अपनी मनमानी करता है, अधिकारी ने कह दिया और वो पढ़ाई लिखाई कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। वहाँ जो है उन भी आ रही हैं, अगर इस सरकार को यही देखना होता, उस पैसे का सदुपयोग करना होता तो उपयुक्त आदमी को उपयुक्त प्रत्याशी को वहाँ उतारती, लेकिन वहाँ तो सब नीचे से ऊपर तक गोलमाल नजर आता है। हम लोग दिन रात देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, टेंडरों के नाम पर खुली लूट है, वही टेंडर वाले पार्षद बनना चाह रहे हैं, टेंडर वाले जी मेयर बनना चाह रहे हैं, तो ये कहाँ अपना वो विवेक से काम कर पाएंगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में सब राजनीतिक लोग हैं, ये परंपरा सी बन गई है, जिसकी सरकार आती है उसी के माध्यम से वो ठेकेदार जो है उस कुर्सी तक उस चेयरपर्सन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं। जहां तक व्यक्तिगत तौर पर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो फिलहाल तो गैर राजनीतिक सम में है, परिवार उनका, उनके पति जरूर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, तो जो भी कुछ होगा वो उन्हीं के विवेक से ही काम हो पाएगा। चलिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात रही, बाकी सभी पार्टियों में भी लगभग प्रत्याशी मेरे समझ से ऐसे ही है जो की घरेलू महिलाएं हैं। बिल्कुल, घरेलू महिलाएं हैं और पर्दा नशीन महिलाएं जो समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, तो जो पर्दा रशीन महिलाएं हैं तो ये सरकार कैसे चला पाएंगी? अब जहां तक इनको जो है इतने पर्दे को लेके हिजाब को लेके इतने वो चलते हैं, तो इनसे इनको ये चीज खुद सोचनी चाहिए। जहां इस चीजों का विरोध करती हैं तो एक महापौर एक नगर पिता के रूप में होता है जी, तो उसकी कुर्सी पर बैठने के लिए जो है एक सक्षम और योग्य और सामाजिक सेवा में जो रहा हो वो ही व्यक्ति सही रूप से चला सकता है। मेरे ख्याल में तो ये इस बार का जो जितना भी किसी भी राजनीतिक दल का आप ले लें प्रत्याशी, आम जनता किसी प्रत्याशी के प्रति ये नहीं मान पा रही है
कि जो है कि हमारा अगला सत्र नगर निगम का किस प्रकार चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी जी, सामाजिक सरोकार की बात हुई तो आपको लगता है कि सामाजिक दृष्टि से जो हमारे जो प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों ने जो उतारे हैं, तो वो प्रत्याशी कितना कुछ काम कर सकते हैं? और महिला सुरक्षा है, समाज है, ये सारी चीजें देखते हुए एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर आप इन चीजों को कितना बेहतर मानते हैं कि अगला जो आने वाला कार्यकाल है वो अच्छा रहेगा? प्रत्याशी के रूप में अगर हम बात करते हैं तो मैं एक लाइन कहूंगा कि किसी को किसी से शिकायत का क्या हक, न वो मासूम है न हम बेदाग हैं। कहीं ना कहीं जो पूर्व का नगर निगम का चुनाव रहा वो एक सीखने का माहौल रहा था, लोगों को पता ही नहीं थी कि निगम होता क्या है और हमको चलाना कैसे होता है। लेकिन जब ये 5 साल में सीख गए तो वो राजनीतिक चीजें उसमें इंक्लूड हो गई और हर आदमी जो जो कि अभी जैन साहब ने भी कहा था और बाकी के हमारे जिन्होंने पूरे जीवन की पारी खेली है राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से पूरे अनुभव शेयर किए हैं, तो वो जो गोलमाल वाला सिस्टम है उसे हड़पने के लिए ये सब प्रत्याशियों का सही चयन नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो हो गया है उसको हमको चयनित भी करना है। वोटर है वो साइलेंट है, लेकिन ये वोटर जो साइलेंट है वो समझदार जो सिटी का वोट है, जो पूर्व के 40-45 वार्ड थे वही साइलेंट है, केवल उससे जुड़े हुए जो आसपास की एरिया है जहां विकास के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, केवल राजनीतिक दृष्टि से जिन पार्टी या दलों से लोग जुड़े हुए हैं केवल उन्हीं के कार्य हुए हैं, वहीं विकास का काम हुआ है। अन्यथा आप अगर जो नए वार्ड जुड़े थे वहां जाके देखेंगे तो बहुत नरकीय स्थिति वहां आज भी बनी हुई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जैसे जैन साहब ने कहा कि एक कोर कमेटी शहर की निगम के लिए बने और जिसमें वरिष्ठ हमारे जो भी शहर के लोग हैं वो एक फाइनल रिपोर्ट लगाएं, उसी के बाद कार्य हो, और पार्षद वाले वार्डों में भी वार्ड के क्षेत्र के कुछ लोग जिससे कि हमारे शहर का विकास हो पाए। और सुरक्षा की दृष्टि की बात करें तो वो हिजाब वाली बात फिर आ गई कि जहां हम पर्दा नशीन की बात करते हैं तो वो खुल के हमारे सामने कैसे आ पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी हमें इन्हीं में से चुनना है। तो पूरा निगम क्षेत्र के जितने भी यहाँ वोटर हैं उन्हीं से सभी से मेरा बहुत ही नम्र निवेदन कि रात्रि में वोट कल डलना है तो जो काबिल बेहतरीन हो सकता है आपकी दृष्टि में, और कुछ नाम ऐसे चल भी रहे हैं जी, कुछ नाम ऐसे चल भी रहे हैं कि वो गुप्त रूप से, मुझे लगता है कि कहीं जहां हम लोग सत्ता की बात करते हैं और सत्ता की खनक की बात करते हैं वो खनक को दूर करके कोई काबिल प्रत्याशी हमारे बीच में उभर के आ सकता है। चलिए चलिए चलिए, आपने जैसे की बात की पर्दा नशी की बात अभी चल रही थी, महिलाएं हैं तो आपको लगता है कि सारी जितनी भी अभी प्रत्याशी है, चूंकि महिला ओबीसी की सीट थी तो महिलाएं हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि महिलाएं उतारनी चाहिए थी, महिला सीट थी इसलिए, लेकिन क्या कोई योग्य महिला पूरे फिरोजाबाद में किसी भी पार्टी को नहीं मिली? नहीं, ऐसा बात नहीं है, आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। और ये देखिए जो आप कह रहे हैं ना कि कोई योग्य महिला, ये एक राजनीतिक बिंदु है कि बीजेपी का है या जो भी दल है बहुजन समाज पार्टी है, इन्होंने केवल एक राजनीतिक उसपे उन्होंने महिलाओं को उतारा। अगर ये वास्तव में देखते तो हमारे फिरोजाबाद में ऐसा नहीं कि महिलाएं आगे काम नहीं कर रही, बहुत सारी महिलाएं जो समाज सेवा के क्षेत्र में है, शिक्षाविद के क्षेत्र में, और बहुत सारी महिलाएं उद्योग अपनी बहुत सारी फील्ड में वो काम कर रही है। लेकिन चूंकि वैसे अगर देखा जाए तो जो महापौर होता है सीधी जनता का एक नायक होता है, क्योंकि जनता से उसका सीधा संबंध होता है, और ऐसा ही व्यक्ति हमारे महापौर के रूप में होना चाहिए जो सीधी जनता से संबंध हो उसका और वो जनता के लिए काम कर सके। लेकिन चूंकि अब जो चुनाव हो गए वो एक राजनीतिक केंद्र को ध्यान में रख करके चुनाव होते हैं, जनता के हितों को ध्यान में रख करके मुझे लगता है चुनाव नहीं होते। अगर जनता के हितों में ध्यान में रख करके चुनाव होता तो शायद जो महिलाएं आज इस फील्ड में उतारी गई हैं जिन्हें बोलना नहीं आता, आप सुन रहे होंगे ऐसे बहुत सारे कमेंट
कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो पर्दे के पीछे हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता, वो क्या क्या जनता से वो सामना कर पाएंगे, क्या वो जनता की समस्याएं सुन पाएंगे? आज जनता पिछले चुनाव में भी देख लीजिए, जो महापौर के रूप में, मैं संतुष्ट नहीं हूं उनके कामों से, मैं खुल के यहां पर बात करूंगी। और नेक्स्ट फिर इस तरीके से अगर हमारे बीच में कोई महिला आती है तो जनता में कहीं ना कहीं हताशा और निराशा की भावना तो होगी, पर महिलाएं हैं, आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, बस देखने की जरूरत है। अगर हम राजनीति को अपने दिमाग में हटा करके शायद ये योग महिला की बात करते तो हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जो समाज के लिए काम करती हैं। चलिए, आपको लगता है कि कितना समय लगेगा सीखने में? तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि अब जो भी हमारे बीच में आए वो जल्दी से जल्दी सीखे और हमारे समाज के लिए कुछ करे। जी धन्यवाद। अग्रवाल जी, कि आप प्रमुख उद्योगपति हैं फिरोजाबाद के लिए, और व्यापारी जो होता है वो नगर निगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि उसी से कर आता है और उसी कर से पूरी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आपको लगता है कि गत 5 जो वर्ष हुए, जो पिछला कार्यकाल रहा, उसमें व्यापारी ने सबसे ज़्यादा टैक्स भी दिया और उसको उसके बदले में कितनी सुविधाएँ मिल पाई हैं और क्या वंचित रह गया है जो आने वाले कार्यकाल में होना चाहिए था? वास्तविकता ये है कि नगर निगम का चुनाव हो, MLA का हो, MP का हो, प्रधान का हो, जी हर चीज अर्थ से जुड़ती चली जा रही है। ये अर्थ हो गए जी, और हर पार्टी अपना समीकरण ये बैठाती है कि इस पर लोग आदमी पे इतने वोट है, इस पे इतने वोट है, इसमें इतने वोट है, ये निकल जाएगा जी। वो योग हो अथवा योग हो, हम लोगों में बड़ी भारी कमी है कि हम अपनी बात को एकजुटता से कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अगर हम कोई बात कहते हैं, अरे ये कहेंगे अभी वकील साहब, अरे तुम कायल फलाने बारे में आम आदमी में कह रहे हो, तो 4 लोग उनके पक्ष में होंगे, हमारे पक्ष में 2 लोग होंगे जी। बाकी यहाँ पर वो भ्रष्टाचार की बात अभी आई, भ्रष्टाचार सिस्टम में नहीं है, भ्रष्टाचार तो हवा में है जी। जो सांस लेगा तो भ्रष्टाचार का आदि हो जाएगा। अब मैं, मुझे मौका नहीं लगा भ्रष्टाचार करने का, तो मैं बेईमानदार हूँ जी। बाकी सारी चीजें व्यवस्था जुड़ी हुई है। अभी कहा था नॉमिनेटेड कमेटी होनी चाहिए जी। कमेटी वो हो जिसको थोड़ा सा समाज सेवा में मन हो। मैं शुद्ध व्यापारी आदमी हूँ, मैं कहीं का 1 घंटा खराब करूंगा? सही है, या तो मुझे कुछ पद का या पैसे का लोभ होगा तो मैं करूंगा। और पहले जो चुनाव होते थे उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होता था, ग्राम प्रधान हो या वार्ड मेंबर हो अपनी स्वेच्छा से लोग सुनते थे। पहले कॉलेजों में भी ऐसे चुनाव होते थे। अब तो सारी चीज़ें अर्थ से जुड़ी हुई हैं और बाकी सब काम व्यर्थ है। लिहाजा कोई भी काम करने के लिए हमें पहले एकजुट होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी कैसा ही आदमी हमारी बात नहीं सुने, हमारा काम नहीं करे, बस अर्थ है हमारा उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो। अगर स्वार्थ कोई बात होगी हर आदमी मानेगा जी। नगर निगम स्मार्ट सिटी है और बाहर से व्यापारी भी आते हैं, चूंकि आप भी एक व्यापारी हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके यहाँ जैसा चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएँ हैं, जो सुविधाएँ हैं, जो शहर का रहन सहन है, तौर तरीका है, जो शहर की सड़कें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो सब जिस तरीके से हैं, क्या फिरोजाबाद में वो सब जब बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो वो समझता है कि फिरोजाबाद नगर निगम है या स्मार्ट सिटी है या सिर्फ नाम के लिए है? ऐसा हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं लगता। यहाँ पे अच्छी अच्छी ट्रेनें नहीं रुकती, वो टूंला रुकती हैं, आगरा रुकती हैं, आम व्यापारी को असुविधा है। सिटी बस का शहर में कहीं संचालन नहीं हो रहा। दबई यहाँ से जगह एक है, कलेक्ट्रेट है, वहाँ हर आदमी को नहीं तो बहुत लोगों को डेली अप डाउन करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है हर एक पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन हो जी, और वो मजबूरी में जाता है। नहीं, सिटी बस की मांग बहुत दिन रखी गई, मगर आज तक कोई सिटी बस मेरे हिसाब से तो नहीं चली। चली कोई भी नहीं, ये मूलभूत समस्या है। अच्छा, हम लोग भी कोई एकजुट होकर किसी काम के पीछे लग जाए तब काम हो, ऐसा हम लोग भी नहीं करते। हमें अपनी आदत में थोड़ा सा सुधार करके और थोड़ा 5-10% टाइम समाज के लिए या शहर के लिए या देश के लिए भी निकालना पड़ेगा जी।
सर पिछले कार्यकाल में क्या ऐसी कमियां रह गई जो आने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए पिछले कार्यकाल में भाई साहब की से बात हुई थी निगरानी समिति वाली, तो इन निवर्तमान मेयर महोदया से बैठ के चर्चा भी हुई थी, चुनाव से पहले भी चर्चा हुई उनके, जब चुनाव लड़ रही थी, चुनाव के बाद भी हुई। लेकिन सवाल यही वही बताया ना आपको, बंदर वार्ड वाला जो हिसाब है उनको कहीं ये भी डर लगे कि जो काम पर्दे के पीछे काम होगा वो दबा ठगा रहेगा। निगरानी समिति है तो उसको भी पता भी रहेगा कितना रुपया आया है, कहाँ लग रहा है, क्या विकास होगा। तो ये सब चीज जो है फिर आदमी अपने स्वार्थ में लग जाता है जी। और कुछ विकास के काम केवल इसीलिए होते हैं कि अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन कुछ अभी विकास के काम इस तरीके के अभी इस क्षेत्र में बाकी हैं। ये सबसे बड़ा इस नगर का दुर्भाग्य यह है कि करोड़ों रुपया नाले और नालियों में सीवर में लग गया, लेकिन उसकी व्यवस्था आज तक सुचारू नहीं है। किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, नालियां बराबर भरी हुई मिलेंगी। और हर वर्ष अब बरसात आने से पहले अभी तक कोई नालों में काम नहीं हो रहा है, देखें आप बरसात सिर पे खड़ी है, सोई अब काम शुरू हो जाएगा। वो साहब नालों की सफाई के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए खेल खत्म। तो ये जो मानसिकता यहाँ बनी हुई है कि आज तक हम अपने कहने को जी है कि हमारी पानी की सप्लाई में सुधार हुआ है पेयजल की में, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे बाकी हैं, कुछ लोगों की शिकायत आ रही है कहीं तो दूषित पानी आ रहा है तो उस पर कोई ध्यान नहीं है जी, और कहीं पानी पहुंच भी नहीं रहा है, कुछ क्षेत्रों में मिल रहा है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां जल आपूर्ति की भी जरूरत है और जे नालियों की और नालों की, जब तक ये सुचारू नहीं होंगे तो ये गंदगी हमारे शहर से नहीं जाएगी। ये बहुत काम जरूर है। नगर निगम का प्रमुख कार्य होता है जैसा भाई साहब ने कहा कि दूषित पानी माने पेयजल की व्यवस्था और सीवर की व्यवस्था, तो क्या पिछले 5 वर्षों में ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाई हैं और आने वाले समय में अगर ये सुचारू करनी है तो उनके लिए क्या क्या ध्यान रखने चाहिए? इंदौर देश का सबसे नंबर 1 का साफ स्वच्छ शहर है और एक आदर्श नगर निगम है जी। वहाँ पे कहीं पे भी टॉयलेट की किसी को असुविधा नहीं होगी, मोबाइल टॉयलेट जगह जगह बाजार में लगे हुए हैं जी, यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है। अब नगर निगम की क्या क्या काम है ये उस एक्ट में ही लिखा है, लेकिन एक्ट पढ़ना तो कोई जाने। नगर निगम हो या नगर पालिका हो, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय उसमें लिखा है जी। नहीं, मैंने पिछली महापौर से कहा कि आप पालीवाल हॉल के बराबर ऊपर बना दीजिए, नीचे से छड़ी लगा दीजिए, भारतीय भवन को गली से यहाँ ले आइए, आपका पैसा है, पैसा रहता भी है उसके लिए बजट। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य पिछले कार्यकाल का तो ये रहा कि विधायक और महापौर 36 के आंकड़े में रहे पूरे कार्यकाल में जी। अगर महापौर उधर जाना है तो विधायक को उधर जाना था, क्योंकि आंकड़े मिले ही नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो प्रदेश स्तर पर जहाँ कटौती होगी वो करा देंगे, और जहाँ इनको अपना मन होगा वो होता रहा, ताम झाम इनका सब चलता रहा, काम तो कुछ हुआ नहीं है। इसमें क्षति तो पब्लिक की है ना? क्षति तो हर काम में पब्लिक है। वो कुमार विश्वास कहता है या सुरेंद्र शर्मा के, जनता तो बेचारी सीता है, रावण राजा होगा तो हर ली जाएगी और रामचंद्र जी राजा होंगे तो वनवास हो जाएगा, जनता तो सीता है, जनता को तो दुख है दुख से ना। जी जी, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। कनक जी, जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा कि पुस्तकालय और वाचनालय होना चाहिए, तो एक साहित्यकार आप हैं, 2 मिनट और लूंगा बस, एक साहित्यकार आप हैं तो आपकी दृष्टि से क्या प्रयास होने चाहिए थे या आपने कुछ प्रयास किए तो उसके बारे में बताएं। जी, मैं बड़ी अच्छी बात आदरणीय ने कही थी, मैंने पिछले सत्र में जब महापौर जी थे तो उनको एक लिखित प्रत्यावेदन दिया था और फिरोजाबाद 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक देश को बड़े बड़े साहित्यकार देता रहा है, जिसमें श्रीधर पाठक जी जैसे व्यक्ति, जिसमें बनारसीदास चतुर्वेदी जी जैसे व्यक्ति, श्री राम शर्मा जैसे व्यक्ति यहाँ से पूरे देश में अपना परचम लहराते रहे हैं। ऐसी दृष्टि में
उन लोगों के नामो निशान तक नहीं है इस शहर में। और मैंने एक बात और कही थी कि हमारे शहर में बहुत बड़े स्तर के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, किसी के नाम पर एक गली मोहल्ले में भी कोई कुछ ऐसा स्थान नहीं है। मैंने कहा कि मार्गों के नाम भी आप स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रख सकते हैं, साहित्यकारों के नाम पर रख सकते हैं। और विशेष रूप से मैंने एक साहित्यकारों के लिए एक उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए एक भवन बनाने का लिखित प्रत्यावेदन दिया था, और पूरे फिरोजाबाद के साहित्यकारों और हमारे जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन सबका परिचय सहित वो सब कुछ उनको प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। सोचते हैं कि शायद आगे आने वाले महापौर इस विषय पर ध्यान देंगे, ऐसी आशा करते हैं। जी जी बिल्कुल। दिलीप जी, अंतिम सवाल आपसे खत्म करेंगे हम की आज की इस चर्चा को। एक जैसा कि इन्होंने कनक जी ने बताया कि इन्होंने एक प्रत्यावेदन दिया कि साहित्यकारों के लिए एक भवन होना चाहिए, ऐसा ही पत्रकारों के लिए भी एक भवन होना चाहिए। प्रेस क्लब हर शहर में होता है, अपने शहर में नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अकेले प्रेस क्लब की बात मत करिए आप जी, मैं इसको और दायरे को आगे बढ़ाता हूँ जी। बच्चियों की आजकल पूरे भाजपा का या जिसका सब राजनीतिक पार्टियां कहते हैं महिला सशक्तिकरण जी। नगर निगम ने कितने स्कूल कॉलेज बनवा दिए, कितने स्कूल कॉलेजों का कायाकल्प करा दी। हाँ, रिकॉर्ड के नाम पे 150 करोड़ रुपए आया था जी। फिरोजाबाद के 12 स्कूलों को 150 करोड़ रुपए में कायाकल्प किया जाना था। सूची मेरे मोबाइल में है, इन स्कूलों का सर्वे करा लीजिए, पता लग जाएगा 150 करोड़ रुपए कहाँ गया। पहली बात, आयुर्वेद चिकित्सालय, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोकल वो भी नीचे अपना फोटो चिपका देते हैं कि योग करें निरोग रहे। आयुर्वेद चिकित्सालय आज किस अवस्था में पड़ा हुआ है? और ये मेरे तीन वरिष्ठ खड़े हुए हैं, इन तीनों वरिष्ठों ने भले ही से खुल के अपनी बात नहीं कही हो, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, इन तीनों के दर्द है ये अपनी बात नहीं कह पाए। लेकिन ईमानदारी बात यह है कि नगर निगम, नगर पालिका से चलकर नगर निगम बनने के बावजूद जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इनमें से तीनों में कोई काम नहीं हुआ। क्लब के बनाने की बात तो छोड़िए, अगर चार अच्छी तरह से सवाल पूछ लिए जाए तो निगम के अधिकारी और खुद महापौर जो भी जहाँ जनप्रतिनिधि बैठते हैं उनकी भाषा शैली चेंज हो जाती है। बात नहीं करना चाहते, सुझाव लेना नहीं चाहते। वो अब तो एक नया ट्रेड और चल गया है जी, कि अगर कोई किसी निगम के खिलाफ अगर कोई खबर जा रही है तो उसमें दूसरे दिन फोन करके पूछ लिया जाता है, ग्रांट रुकवा दी जाती है। अच्छा। ब्लैकमेल की राजनीति, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल की राजनीति। और मैं फिर अपनी बात वहीं पर ले जाके खत्म करूंगा कि नगर पालिका का जनता से सीधा जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव को इस राजनीति ने खत्म कर दिया पूरी तरह से जी। जी, आप घंटाघर चौराहा देख लीजिए, शहर की नाक है ये, चाचाजी खड़े हुए हैं, बाबूजी खड़े हुए हैं, दादा खड़े हुए हैं, कभी घंटाघर चौराहे पे पान खाने के लिए, घूमने जाने के लिए जाया करते थे। आज इनका दर्द पूछ लो कि वहाँ घंटाघर चौराहे पे अगर बाहर का, जब ये आपने किसी से सवाल पूछा था, चाचाजी से पूछा था कि बाहर का लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, तो चाचाजी कहते हैं पांडे जी की पूरी खाया ना घंटाघर चौराहे पे। आप इनसे दिल से पूछ लीजिए ये कहेंगे, या जो पांडे जी की पूरी खाने जाएगा वो घंटाघर को देख के क्या कहेगा जी। एक बात, उद्यमिता, फिरोजाबाद की लाइफ लाइन है चूड़ी और कांच उद्योग जी। 1% नगर पालिका ने जो फेर के मार्केट है, चूड़ी का मार्केट हो लो, स्टेशन रोड का ग्लास का मार्केट कह लो, सैकड़ों व्यापारी बाहर से आते हैं, आप उनकी छवि को देख लीजिए, उन गलियों में जाके देख लीजिएगा, सकरी गलियां हैं, उन पे अतिक्रमण है, कोई डंडा नहीं चलाना जाता, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के किसी ना किसी पदाधिकारी का उसमें दुकान होती है, वही अतिक्रमण होता है जी। जी जी, क्या कहना? अभी आपने पुस्तकालय वाचनालय की बात की जी, तो ये जब नगर पालिका थी, माननीय विधायक महोदय जो है हमारे, ये वर्तमान में ये चेयरमैन हुआ करते थे जी, तो यहाँ हमारा एक पत्रकारों का एक बहुत पुराना संगठन है, उपजा प्रेस क्लब जी। तो यहाँ हमारे सिरमौर दादा पंडित बनास दास चतुर्वेदी जी हम लोगों के गौरव रहे, तो उनकी जन्म शताब्दी के बाद हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनके नाम से एक पुस्तकालय वाचनालय और एक भवन बन जाए, इससे जो है समय समय गोष्ठियाँ होती रहे, छोटे मोटे आयोजन होते रहे और उनका नाम भी साथ में अमर हो जाए। तो उन्होंने प्रयास किया और आप
ताज्जुब करेंगे, श्रीमान जी ने टेंडर भी उठा दिया, लेकिन वही अंदरूनी अपनी खेचातान की वजह से शिलान्यास होते होते रुक गया। उसके बाद हमने निगम में भी पहल की जी, मतलब अच्छे काम के लिए इनके पास ना पैसा है, ना समय है, ना सोच है, केवल वो ये है कहाँ हमको कमीशन कितना मिलेगा और अब कहाँ किससे हमारा भला हो रहा है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहे हैं। जनहित में या नगर हित में इनमें सोचने की बुद्धि नहीं है, केवल विवेकहीनता का के परिचायक हैं। ये नगर आयुक्त से भी हमने इस बात को रखा, जगह चिन्हित पड़ी हुई है, लेकिन शहर में एक अच्छा पुस्तकालय वाचनालय बन जाए, एक हमारे आजादी से पूर्व का भारतीय भवन पुस्तकालय पड़ा हुआ है, वो भी जीर्ण शीर्ण और जर्जर स्थिति में है, वो किसी प्रकार बस चल रहा है, लेकिन वो जो है उसकी तरफ भी कहीं कोई ध्यान नहीं है जी। उद्यमिता की बात हुई थी, अंतिम मैं आपसे पंक्तियां जानना चाहता हूँ कि उद्यमिता के बारे में आपका क्या कहना है और नगर को क्या इस बारे में क्या सोचना चाहिए? सोचने समझने की शक्ति छीन हो चुकी है अब जी, सुनने वाला कोई हो तो कहने में कुछ लाभ है। हम मेयर के यहाँ 15-20 लोग गए जी कि भाई गांधी पार्क में ये सड़कें खराब हैं, महिलाएं कभी कभी गिर जाती हैं, और सारे जाति धर्म के लोग आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, पंडित भी आते हैं, और सिंधी भी आते हैं, पंजाबी, सभी लोग आते हैं, हजारों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, आदमी सभी जाते हैं जी। उस मंदी ने, नूतन ने वो काम हमारा 1.5 साल में करा कर नहीं दिया। फिर हमने एक सभासद को पकड़ा, उसने 15 दिन के अंदर हमारा काम करा दिया जी। और उद्यमता की बकास ये है कि जिस दिन कांच का उद्योग या ग्लास का उद्योग मान लो किसी वजह से कम हो जाए या कोई बात हो जाए तो ये शहर की स्थिति शून्य हो जाएगी, ये मान लो आप जी। हजारों आदमी तो यहाँ बाहर से आता है, आवागमन की सुविधा नहीं है, सिटी बसें नहीं है, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। सारी चीज अर्थ से और वोट से जुड़ी हुई है कि हमें वोट कौन कितने ज्यादा दिला सकता है, हम उसको खड़ा कर दें, चाहे वो कुछ भी नहीं जानता है जी। कोई भी नगर हो वो उद्योग से ही चलता है, और फिरोजाबाद जो नगर है वो सीधे तौर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर तरीके से एक चूड़ी के उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है और उससे ही चलता है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ जनों ने बताया कि इस ओर ना तो उद्यमिता के क्षेत्र में काम हो रहा है, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, ना विकास के क्षेत्र में काम हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में जो है वो काम नहीं हो रहा है। अंतिम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं एक विशेष, अभी जो चर्चा चल रही थी ये कांच उद्योग की, तो मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। एक बार अभी हम उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा की मैं दे रहा था, उसमें एक प्रश्न आया था कि कांच उद्योग के लिए जो कांच उद्योग की प्रयोगशाला या उससे संबंधित जो तकनीकी विकास के जो संस्थान होते हैं वो कहाँ पर है। तो चूंकि फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग और कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, सबने फिरोजाबाद लगाया उत्तर, लेकिन जब उत्तर का जो उत्तर पत्र आया उसमें वो सहारनपुर निकला, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिरोजाबाद में कांच का काम है और उसकी तकनीकी जो विकास का केंद्र है वो सहारनपुर में, इसका क्या मतलब है? तो बाद में पता चला कि फिरोजाबाद में नहीं है, वास्तव में नहीं है, वो उत्तर सही था। फिर इस बात को लेकर मैंने विधायक जी को व्यक्तिगत ये बात बताई, मैं उनसे मिला, आदरणीय मनीष ससीजा जी से उनसे मैंने ये बात कही कि कांच उद्योग हमारे फिरोजाबाद में, तो तकनीकी विकास का केंद्र भी यहाँ पे होना चाहिए। वो मान्यता प्राप्त नहीं है, वो सरकार गवर्नमेंट का एक ऑफिस टाइप है जी, वो केवल एक छोटा सा कार्यालय, रिसर्च सेंटर नहीं, रिसर्च सेंटर नहीं है वो। हाँ, तो शोध संस्थान यहाँ होना चाहिए, ये बात मैंने कही, लेकिन कोई विचार नहीं हुआ। मुझे लगता है कि फिरोजाबाद कांच के लिए संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। मैं अंतिम रूप से यही कहूंगा कि अगर नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी इस बात को रख सकते हैं तो जरूर सरकार के सामने रखें कि यहाँ पर शोध संस्थान होना चाहिए कांच उद्योग से संबंधित जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों ने जो हमारे साथ आज समय दिया और अपने अमूल विचार रखे, आप सभी ने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आशा करते हैं कि आज ये जो हमारे वरिष्ठ जनों ने जो बात कही है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और उसमें से आपको आने वाले चुनाव के लिए क्या करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये तो आप ही तय करेंगे, पब्लिक जो है वो सब जानती है। और जैसा कि अभी लोग कह रहे थे कि 24 घंटे पहले जो है वो समीकरण बदल जाते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो
कल जो होने वाले चुनाव हैं उसमें पता चलेगा। कल जो मतदान है उन मतपेटियों में भाग्य जो है वो बंद हो जाएगा प्रत्याशियों का, और 13 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन इस शहर का सिरमौर होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।